एंड ही सेट टू मी दैट सर ये नाबार्ड एग्जाम के लिए मैं सीरियसली प्रिपेयर करूँ या नहीं क्योंकि मैं जानता तो हूँ कि मैं डेफिनेटली इस एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ पर मुझे ऐसा लगता है कि नाबार्ड एग्जाम जो है ना उसकी जो पोस्टिंग है ना नाबार्ड ग्रेड ए की वो रूरल एरियाज में होंगी सो इट ही वॉन्टेड टू टेल मी दैट नाबार्ड ग्रेड एग्जाम गिवज अस रूरल पोस्टिंग एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दिस रूरल पोस्टिंग सो you would have understood now that there are various myths which are associated with nabard grade a exam so today's video is all about demystifying or busting all such myths which are associated with nabard grade a exam so today we will discuss five important myths that will definitely confirm your failure in nabard grade a exam okay i know everybody wants to clear a particular exam

पोस्टिंग जब मैं रूरल पोस्टिंग की बात करूं एज मैंने पहले कहा कि एक जो स्टूडेंट था वो तो नाबार्ड का फॉर्म फिल फिल करने के लिए ही हिचकी हिचकी रहा था दैट नाबार्ड की सर पोस्टिंग ही रूरल पोस्टिंग होती है तो मैं क्यों ये फॉर्म भरू राइट सो फर्स्ट मिथ इज दैट इज एक्चुअली नाबार्ड अ रूरल जॉब इज इट सो द आंसर हियर इज इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आपके रीजनल ऑफिस है ओके okay? और हेड ऑफिस तो मुंबई में आपको पता है राइट सो ऑल दीज आर सिटीज सो नाबार्ड इज नॉट एक्चुअली रूरल जॉब एंड आफ्टर सर्टन एक्सपीरियंस आफ्टर सम प्रमोशन यू में अल्सो बी ट्रांसफर टू डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ओके अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस डेफिनेटली रूरल एरिया में हो सकता है बट दिस रूरल ऑफिस पोस्टिंग यू एक्सपीरियंस सो नॉर्मली वॉट वी हियर अबाउट बैंकिंग एग्जाम्स दैट बैंकिंग एग्जाम्स आर ऑल अबाउट क्लर्जिकल जॉब्स एज वेल एज विदिन वॉल्स जॉब्स आर विद इन दॉल्स पर नाबार्ड का ये जो अगर आप ग्रेड ए ऑफिसर की अगर प्रोफाइल देखोगे इट इज नॉट जस्ट अबाउट डेस्क जॉब इट इज ऑल्सो अबाउट फील्ड वर्क ओके तो उससे आपको जॉब बहुत ज्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मिलता है सो ओवरऑल इफ यू सी नाबार्ड जॉब दिस इज एसोसिएटेड विद द रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर बट इट इज नॉट नेसेसरली अ रूरल जॉब विच इज इन टू विलेजेस एज वेल एज इन द रूरल

मिथ है जो कि स्टूडेंट को परेशान कर देता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ओके सो देर फोर देन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट थिंग्स फॉर यू क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा फिर आप बोलोगे सर आपके लिए तो आसान होगा ना नाबार्ड ग्रेड एग्जाम पर हमारे लिए तो डिफिकल्ट है सिमिलर टू आरबीआई एग्जाम सो लेट मी प्रूव इट टू यू ओके तो प्रूव कैसे करेंगे फर्स्ट थिंग इज नाबार्ड में इजी से मॉडरेट डिफिकल्टी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओनली इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन आस्ती नाबार्ड एग्जाम If you want to compare, look at these questions. First is under MG Narega, additional workdays for how much days in drought prone areas. Straightforward question, easy level from government schemes, which was asked in NABAD grade A exam. Compare this question, this government scheme question, with the government schemes question similarly in RBI exam. Both these questions are for one mark. बट लुक एट द डिफरेंस ऑफ इन देयर डिफिकल्टी ये कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है चार स्टेटमेंट है मल्टीपल ऑप्शन है और यह सिंगल लाइनर भी एक मार्ग का डिफिकल्टी और डिफरेंस देखो ठीक है तो पता लग जाता है दैट ऑफकोर्स आरबीआई एग्जाम इवन दो दिस क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम इज फॉर वन मार्क देअ स्टिल धिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट अगर आप इसको पढ़ने जाओ तो ही आपको तो भी आपको एक मिनट लगेगा ओके सिमिलरली लुक एट दिस दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एंड ऑल्सो ऑफ इजी लेवल नेक्स्ट इफ यू सी एज वी डिस्कस अ गवर्नमेंट स्कीम क्वेश्चन नाउ वी आर डिस्कसिंग अ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आर आस्किंग नाबार्ड ग्रेडी एग्जाम ये देखो नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है देखो और बहुत ही इजी है सिंपल ऑप्शन वही आरबीआई का नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखो बोथ द आर फॉर सेम मार्क्स ठीक है बिलो एक सीरीज दी गई है स्टेटमेंट्स आर गिवन एसोसिएटेड विद द सीरीज एंड देन ऑप्शंस आर गिवन विच आर अगेन कंफ्यूजिंग तो आपको पता लग जाता है दैट दिस इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको यहां पर कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बस आपको गलत नंबर निकालना है और यहां पर सीयर हाउ कंफ्यूजिंग दिस क्वेश्चन इज सो हियर यू अंडरस्टैंड

सबसे बड़ी मिथ अगर नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई होगी तो वो ये एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड स्टूडेंट हैव एन एज देन एनी अदर कैंडिडेट हु और आर कंपीटिंग इन नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम बट दैट इज नॉट अ ट्रूथ एनीमोर दैट इज नॉट द मिथ एनीमोर दैट इज एक्चुअली मिथ को तो हमने कब का बर्स्ट कर दिया राइट

ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जाम वो कोर है नाबार्ड ग्रेड एग्जाम का बट इफ यू सी ए आर डी क्वेश्चन सारे ए आर डी के क्वेश्चन स्टैटिक से आए थे ओके फ्रॉम विद इन शॉर्ट पूल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सिलेबस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आ रहा है ओके फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब क्या ए आर डी के सपोज पांच या दस

एआर डी मॉडरेट लेवल का आता है डिफिकल्ट नहीं मॉडरेट बट इफ यू सी एस आई पीपल एक्चुअली अज्यूम दैट वुड बी इजी बट दिस इज नॉट द केस मॉडरेट एज एज वेल कभी कभार डिफिकल्ट लेवल का भी आता है। 2022 में ई एस आई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आया था क्यों क्यूसआ में स्टैटिक के साथ साथ पी आई बी भी न्यूज पूछी जाती है एज वेल एज गवर्नमेंट स्कीम्स भी पूछे जाते हैं नाउ एज वी ऑल नो अगर आप पी आई बी न्यूज देखोगे लास्ट सिक्स टू एट मंथ की

एंडर इवन स्टूडेंट वेर फेसिंग डिफिकल्टी टू सॉल्व इवन फिफ्टीन क्वेश्चन इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एग्जाम पंद्रह भी क्वेश्चन ई एस आई में से स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे थे एआरडी में एटलीस्ट बीस से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स बहुत सारे हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स ने तीस के ऊपर क्वेश्चन सोल्व किए थे एआरडी में ई एस आई में वो पंद्रह भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे ओके सो डोंट एक्चुअली अज्यूम की एआरडी डिफिकल्ट डिफिकल्ट अगर आप ये करोगे गलती से यह ना हो जाए कि ई एस आई डिफिकल्ट हो जाए और आप प्रिपरेशन में ई एस आई ही वीक प्रिपेयर करके जाओ और उसमें ही एक्चुअली इलिमिनेट हो जाओ तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ यू हैव टू टू गिव टाइम एंड इक्वली ठीक है देन इज फोर्थ विच इज आई विल मैनेज द टाइम इन नाबार्ड एग्जाम ऑल्सो एंड प्रिपेरेशन ऑल्सो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड नाबार्ड एग्जाम इज कि आरबीआई में जो सेक्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं

क्योंकि ऑलरेडी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है एंड इफ यू गेट कैरिड अवे इन एनी ऑफ सब्जेक्ट इट मे बी टाइम और उस जल्द जल जल्दबाजी जल जल में डेफिनेटली आप कोई एक सेक्शन में ब्लंडर कर दोगे ये दोगेम्ड है इसीलिए जिस भी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अरे यार नाबार्ड ग्रेड एग्जाम का तो टाइम हम ऐसे मैनेज कर लेंगे प्लीज अप फ्रॉम द एक्चुअली वॉट मिथ्स यू हैव बीन लिविंग इन ओके अप टू रियलिटी रियलिटी इज दी नाबार्ड का प्रिपरेशन के वक्त भी टाइम मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट है और क्रूशियल भी और एग्जाम के वक्त तो नाबार्ड का टाइम मैनेज करना इन सारे आठ सब्जेक्ट को इन फेज वन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि सब यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग होता ही नहीं है

ट ऑफ एज वेल एज मेरा मेरिट कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं मॉकटेस्ट इज क्रूशियल एंड देर इज नो सेक्शनल टाइम इन एग्जाम लिया इफ यू थिंक यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन मैनेजिंग द टाइम ट्राई गिविंग अ टेस्ट ओके एंड देन दिस इज वॉट डी मिस्टेफाइंग धिस मिथ इज द लास्ट मिथ विच वी आर एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रिपेरेशन ओके द ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रिपेरेशन इफ यू सी प्रिपेरेशन के वक्त भी स्टूडेंट्स को यह लगता है स मेरिट सेक्शन में ईएसआई एआरडी है उसकी ही पढ़ाई ज्यादा करूंगा क्वांट रीजनिंग कंप्यूटर अवेयरनेस मेकिंग इनको तो बहुत ही आसानी से सोल्व करूंगा दिस इज अगेन बिगेस्ट मिथ ड्यूरिंग प्रिपरेशन वट एवर सब्जेक्ट आर देर यू हैव टू गिव इक्वल टाइम डिनोटेड टू ईच ऑफ द सब्जेक्टर मिनिमम फोर टाइम इन आवर लास्ट वीडियो डिस्कस यू कैन इवन चेंज द आर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अगेन अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दो सब्जेक्ट बट क्वल टाइम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रपोर्शनेटली पार्ट की नाबार्ड ग्रेड ए जो पोस्ट है सोसायटी एंड धिस इज द बिग्गेस्ट मिथ एज वेल एजन बिगेस्ट लाइज विच इज देयर विद इन द स्टूडेंट्स और एसपीरेंट्सिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम एज वी ऑल नो की वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुई थी वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वारू ब आप देखते हो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हो बिकॉज ऑफ वॉटर फूड राइट सो इसीलिए इंडिया एज वेल एज अदर कंट्रीज देरली ट्राइंग फॉर डेवलपिंग देयर एग्रीकल्चरल सेक्टर पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग डे बाई डे राइट सो देर फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इसीलिए इफ यू रियली थिंक दैट इफ यू आई ज्वाइन नग्जाम आई वॉन्ट क्रिएट एनी इम्पैक्ट ऑन द सोसायी तो यह सबसे बड़ी गलत बात है मैं उसको मिथ भी नहीं बोलूंगा मैं उसको एक्चुअली गलत बात बोलूंगा क्यों बिकॉज दिस इज द बेस्ट जॉब दिस इज द बेस्ट रोल बेस्ट पोजिशन टू टच द लाइफ ऑफ पीपल आप किसान से लेके एस से लेके एफ से लेके जो एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स है रिसर्चर्स है सीएम से लेके एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रीज से लेके इंटरनेशनल कंपनीज से लेके इन सारे लोगों से मिलोगे एंड यू विल कनेक्ट दिस ऑल पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल एज रूरल डेवलपमेंट तो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि कोई किसान अगर ये सोच रहा है कि मेरी जिंदगी कौन बदलेगा और मेरी जिंदगी कब बदलेगी वो तब बदलेगी दैट एक्चुअली नाबार्ड सोसाइटी सो इफ यू थिंक दैट दिस इज नाबार्ड एग्जाम यार उससे कोई भी सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा so बिकॉज यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल सेक्टर यू आर गोइंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द रूरल डेवलपमेंट एंड दिस इज हाउ यू विल टच लाइफ ऑफ डिफरेंट पीपल एक्चुअली एट ग्रासरूट लेवल और इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी ओके सो विध दिस वी हैव टू डे डिस्कस मिथ्स विच विच वेर असोसिएटेड विथ नाबार्ड ग्रेडे एग्जाम आई होप जो भी छोटे छोटे मिथ्स थे जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि भाई एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड हो गया ए आर डी डिफिकल्ट है कि नहीं ओके okay? ये सारे छोटे छोटे मिथ्स तो हमने हमारे पिछले वीडियोस में कब से डिस्कस किया एंड वी हैव ऑलरेडी बस्टेड मिथ्स टूडेज ऑल द फाइव टॉपिक्स वर एक्चुअली न्यू विच मे बी अ स्टूडेंट हुई प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड एग्जाम एक्चुअली डजेंट नोज अबाउट सो आई होप ऑल दिथ्स आर क्लियर एंड यू स्टार्ट एंड यू कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन थैंक यू